हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और रेडी हो चुकी हूँ एक और दिन के फाग मेले को एंजॉय करने के लिए। तो अभी निकल रही हूँ फटाफट से। आज 12 बज गए हैं, मुझे काम करते करते काफ़ी देर हो गई। आज मैंने डिनर वगैरह शाम की तैयारियाँ सारी कर दी हैं, क्योंकि शाम को है आज वॉइस ऑफ हिमाचल का कार्यक्रम, को जिसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने सारे काम निपटा दिए हैं और अभी मैं निकलती हूँ मेले के लिए। आज है नाटी वाला दिन। पूरे मतलब बाज़ार में निकलेगी झांकियाँ और मेले का देवते, जितने भी देवते आए हैं वो सभी पूरे मार्केट में अपना अपना नृत्य दिखाते हुए जाएंगे, तो हम लोग भी इंजॉय करेंगे। अनुराग तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अनुराग शाम को टैलेंट वॉइस ऑफ हिमाचल नहीं ना, वॉइस ऑफ बुशहर जो कार्यक्रम है उसको भी देखना चाहते हैं। और अगर अनुराग अभी जाएगा तो फिर शाम के लिए थक जाएगा। ये रहा अनुराग, जाना है आपको? नहीं, अनुराग को भीड़ भाड़ से मजा नहीं आता। भीड़ भाड़ से डर लगता है अनुराग को? डर नहीं, तो मजा नहीं आता अनुराग को। लगता है कि हर बार वैसे ही तो होता रहता है, मैंने नहीं जाना। चलती हूँ फटाफट, बहुत देर हो गई है। अनुराग को टीवी देखना है। अगर मैं यहाँ ब्लॉग बनाती रहूंगी तो अनुराग टीवी नहीं देख पाएगा। टोली के साथ खड़ी है यार, शोभा यात्रा निकालने के लिए। कौन से देवता होंगे ये? पता नहीं कौन से वाले, ये जो यहाँ खड़े चाटी वाले? नहीं, वो जो पीछे नहीं गए हुए हैं। अच्छा, उनका वेट।
दरबार में घूमते आते सभी देवता आ ही रहे हैं अभी, कुछ पहुंच गए हैं दरबार में, कुछ अभी आ ही रहे हैं। रोड पे है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरी आवाज़ तो शायद आप भी नहीं रही होगी, जोर से कितना बोलूँ, यहाँ इतना शोर है। करने के बाद हम निकल पड़े थे घर की ओर, और घर को निकलते समय हमें रास्ते में मिल गए गुरु जी, और गुरु जी से मिलकर काफ़ी अच्छे लगा। गुरु जी मिलते रहते हैं मुझे कभी ना कभी, और काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, और बस उनसे कह रही थी कि चलो आपको ले चलते हैं अपने घर, और इस तरह से कुछ वार्तालाप हो रही थी उनके साथ। फाइनली फ्रेंड्स, दरबार में सभी देवता पहुंच गए हैं और अपनी अपनी नाटियाँ भी शुरू होने वाली है। मैं तो आ गई हूँ घर, क्योंकि अनुराग को भूख भी लगी थी, अनुराग के लिए ले घर आई हूँ मां समोसे। मैंने सोचा कि अनुराग को भूख लगी होगी, वैसे तो मैं खाना बना के गई थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो अनुराग के लिए कुछ ले जाती हूँ। मेले में तो ये जाता नहीं है, तो इसलिए कुछ लेकर जाती हूँ। मैं लेके आई हूँ समोसे, अनुराग खाएगा समोसे, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, और शाम को है नाइट प्रोग्राम जिसको देखने जाना है अनुराग को, अनुराग भी जाएगा हमारे साथ, अभी रेडी हो जाएगा और फिर निकलेंगे हम जल्दी। खाना तो आज मैंने बना के रखा है शाम के लिए, तो जल्दी ही निकलेंगे अब हम, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं।